खत्म हुई बादशाह हनी सिंह की सालू पुरानी दुश्मनी। जी दोस्तों, रैपर ने किया बड़ा ऐलान। 24 मई को हुए अपने कॉन्सर्ट में रैपर बादशाह ने अपनी परफॉर्मेंस को बीच में रोक दिया था और इसके बाद उन्होंने हनी सिंह के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी का एक फेज था जब मैं एक शख्स के खिलाफ ग्रज रखता था, मतलब ईर्ष्या रखता था, और अब मैं वो चीज सब पीछे छोड़ रहा हूँ। रैपर बादशाह और हनी सिंह के बीच चल रही सालों पुरानी लड़ाई का अब अंत हो गया है। जी दोस्तों, बादशाह ने अपनी तरफ से इस जंग को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, देहरादून में हुए ग्राफिक एरा ग्राफेस्ट 2024 में रैपर बादशाह ने हनी सिंह संग अपनी लड़ाई को खत्म करने का फैसला सुनाते हुए फैंस को चौंका दिया। साथ ही में उन्होंने हनी सिंह को दुआ भी दी। जी दोस्तों, बादशाह ने अपनी परफॉर्मेंस को बीच में रोक दिया था और इसके बाद उन्होंने हनी सिंह के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी का फेज था जब मैं एक शख्स के खिलाफ ईर्ष्या रखता था और अब मैं इसे पीछे छोड़ रहा हूँ, और वो हनी सिंह है। मैं किसी गलतफहमी को लेकर नाखुश था और फिर मुझे एहसास हुआ कि हमें जोड़ने वाले कम थे और तोड़ने वाले बहुत थे। आज मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जिंदगी के उस फेज को मैंने पीछे छोड़ दिया है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। जी दोस्तों, अगर बात करें बादशाह और हनी सिंह की दुश्मनी की, तो रैपर बादशाह और हनी सिंह के बीच दुश्मनी और लड़ाई की शुरुआत 2009 में हुई थी। दोनों ने माफिया मुंडेर से अपने रास्ते अलग कर दिए थे। इसके बाद से दोनों आर्टिस्ट के बीच में टेंशन बढ़ती ही देखी गई, कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी गानों के जरिए। दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा और तंज कसे। हालांकि अब लगता है कि बादशाह ने दुश्मनी को भूल शांति से हनी सिंह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या पुराने दोस्त फिर से एक साथ होंगे? क्या हनी सिंह बादशाह को माफ कर देंगे और फिर से बादशाह को गले लगा लेंगे? वैसे अगर दोनों की दोस्ती फिर से होती है तो इनका कमबैक देखने लायक होगा। ये दोनों इंडस्ट्री में धूम मचा देंगे, क्योंकि एक बादशाह है तो दूसरा लेजेंड है। जी दोस्तों, हमने हनी सिंह को तब से सुना है जब ये 4G 5G नहीं हुआ करता था। अगर इन दोनों की दोस्ती होती है तो एक कमबैक सॉन्ग तो बनता है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या इन दोनों की दोस्ती फिर से होनी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।